शिल्पकार महासभा के तत्वाधान में महान विश्वकर्मा सम्मेलन का आयोजन कुशीनगर जनपद के तमकुही रोड में किया गया है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री श्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी हैं। और आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 12 साल तक एमएलसी दो बार रहे और मंत्री उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रहे पूरे उत्तर प्रदेश के और पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन भी रहे और विश्वकर्मा समाज के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी हैं और विश्वकर्मा समाज के लिए बहुत ही काम इन्होंने किया है। ऐसा माना जाता है विश्वकर्मा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और समाजवादी पार्टी में इनकी हनक सबको पता है। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है आने वाले समय में, तो आप विश्वकर्मा समाज के लिए क्या सोचे हैं, क्या आप लोगों की रणनीति है? विश्वकर्मा समाज शुरू से आपके साथ पिछली बार भी रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 2022 में चुनाव के पहले चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो विश्वकर्मा समाज को सरकार में भागीदारी दी जाएगी, मंत्री बनाने का काम किया जाएगा। भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिवस 17 सितंबर का पुनः सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम किया जाएगा और विश्वकर्मा समाज के विकास के लिए उनके लोहे लकड़ी के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा ताकि विश्वकर्मा समाज के जो गांव के गरीब लोग हैं उनको 10 लाख 5 लाख रुपए लोन दिया जा सके और लोन देकर के उनके रोजगार को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। ये भी घोषणा हुई थी उस समय कि सरकार बनने के बाद गोमती नदी के तट पर भगवान विश्वकर्मा की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी और विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ये सारे काम सरकार बनने के बाद होते, लेकिन दुख है कि सरकार हमारी नहीं बन पाई इसलिए सारे काम रुक गए। सर, दुनिया बहुत आगे चली गई और अपने भारत के तमाम प्रांत में हमारे समाज के लोग काफ़ी आगे हैं और काफ़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन अभी तक क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा समाज की स्थिति अभी मजबूत नहीं हो पाई है? बहुत ही पिछड़ा हुआ है यहाँ विश्वकर्मा समाज उत्तर प्रदेश। ऐसी बात नहीं है, क्या कहेंगे? विगत 20 वर्षों से विश्वकर्मा समाज बहुत आगे बढ़ गया। विश्वकर्मा समाज की कोई पहचान नहीं थी, हम जब सरकार में आए तो आज विश्वकर्मा समाज की पहचान बनी है, चाहे विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी की वजह से हो, चाहे लोगों के रोजगार के लिए हो या सरकार में बैठने के कारण जानते थे, विश्वकर्मा समाज को जानने लगे। पहचान बनाई तो समाजवादी पार्टी ने, पहचान बनी है, सम्मान भी बना है और ये मजबूत भी हुए जगह जगह पर। इनके जो कारोबार हैं, चाहे लोहे का कारोबार हो चाहे लकड़ी कारोबार है, इनको आगे बढ़ाने काम किया गया, समाज को सुरक्षा देने का काम किया गया, समाज के ऊपर जो उत्पीड़न अत्याचार था उसको भी रोकने का काम किया गया। लेकिन जितना आगे बढ़ना चाहिए था वो अभी इसलिए नहीं हो पाया कि एक बार हमारी सरकार अगर बन जाती और एक बार हम सरकार में बैठ जाते तो विश्वकर्मा समाज का पूरा काम कर देते तो विश्वकर्मा समाज अन्य समाजों की तरह से वो भी आगे बढ़ जाता। तो आप अभी देख रहे थे समाजवादी पार्टी पूर्व में मंत्री रहे और MLC रहे श्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी से आज हमारी ये बातचीत हुई, आप उन्हें सुन रहे थे। और मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भारत चक्र न्यूज में, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भारत चक्र न्यूज चैनल को हम बहुत बधाई देते हैं कि जन समस्याओं को, गांव की समस्याओं को, विश्वकर्मा समाज व अन्य पिछड़ी जाति या गरीब लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाता है और उसका समाधान खोजने का काम करता है। इस चैनल को बहुत बहुत बधाई। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक शर्मा के साथ मैं राजेश शर्मा, भारत चक्र न्यूज़, कुशीनगर।